जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कामिका एकादशी के बारे में। इस व्रत को कब करना है, क्या पूजा विधि है, सब आपके साथ शेयर करूंगी। और शेयर करूंगी एक ऐसा उपाय जिसे करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं इस चैनल पर जो भी पूजा पाठ आप लोगों को बताती हूँ या जो भी उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो पूरी तरह से सेफ है और 100% वर्क करते हैं। जब आप हर तरफ से निराश हो जाएं, तब आप इन उपायों को आजमा सकते हैं। आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। इस व्रत को करने से हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, हमारे पापों का नाश होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। इस बार यह व्रत इसलिए भी खास हो जाएगा क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। इस ऐसे में हम भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करेंगे। और भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की अगर हम एक साथ पूजा करते हैं तो हमारे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। सावन के महीने में दो एकादशियां पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसमें हम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। क्योंकि ये सावन के महीने में पड़ती है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान शिव की भी पूजा करें। दोस्तों, एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। बहुत छोटे छोटे हैं बट हमें फॉलो करने होते हैं। एकादशी व्रत दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। शाम को हमें प्याज लहसुन का त्याग करना होता है, हमें सात्विक हल्का आहार लेना होता है, चावल का त्याग करना होता है। चावल एकादशी पर भी नहीं खाए जाते हैं और चावल हम द्वादशी वाले दिन खाते हैं। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। पूजा विधि बहुत ही सिंपल है जो हर एकादशी में होती है, बस वही है। बट इस बार खास इसलिए कि इस बार आप भगवान विष्णु का पूजन अकेले ना करें, भगवान विष्णु का पूजन भगवान शिव के साथ करें। सबसे पहले तो आप एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निपट कर सबसे पहले आप अपने व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान को स्नान कराकर एक चौकी पर स्थापित करें। फिर सर्वप्रथम आप भगवान गणेश का पूजन करें। उसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसे जल समर्पित करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फल फूल मिठाई आदि का भोग लगाएं। अगर आपके पास आपको अगर कहीं भी आग का फूल मिल जाए तो इस दिन भगवान शिव पर जरूर चढ़ाएं। आग के पुष्प से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करें। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद आप कामिका एकादशी की कथा और महात्म को पढ़ें या फिर सुनें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। पूजा करने के बाद में आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की और भगवान शिव की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाएगी। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की और भगवान शिव की आरती अवश्य करें। आइए अब जानते हैं एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 23 जुलाई 2022 दिन शनिवार सुबह 11:27 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 जुलाई 2022 दिन रविवार दोपहर 1:45 पर।
व्रत के पारण का समय रहेगा 25 जुलाई 2022 दिन सोमवार सुबह 5:38 से 8:22 तक। तो दोस्तों, आप सभी लोग, जो भी लोग व्रत कर रहे हैं, वो इसी अवधि में अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें। और दोस्तों, उदयातिथि की मान्यता के अनुसार हम व्रत 24 जुलाई को ही करेंगे। पारण से पहले दान निकाल दें। दान हमेशा ज़रूरतमंद को दिया जाता है, इसलिए आप कोशिश करें, आप जो भी चीज़ दान में निकालें वो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक ही पहुँचे। आइए अब जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना चल रही हों, चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाएं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो भगवान विष्णु की या फिर भगवान शिव की कृपा से दूर ना हो सके। अगर हम विधि विधान से पूजा कर लें तो हमारे समस्त कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। आज हम ऐसे ही उपाय को जानेंगे जिससे करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको भगवान भोलेनाथ की और भगवान विष्णु की एक साथ कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, उपाय बहुत ही सिंपल है। आपको बस करना यह है कि तुलसी जी जो होती हैं उनकी मंजरी आपको लेनी है। मंजरी के जो बीज होते हैं उन बीजों को आपको गिनकर 108 बीज निकालकर एक कटोरी में रख लेने हैं। यह उपाय आपको एकादशी की पूजा करने के बाद करना है। अब आप कटोरी में वो आपने जो बीज लिए हैं तुलसी जी की मंजरी के, उन सारे बीजों को लेकर आप भगवान विष्णु के सामने बैठें और एक खाली कटोरी भगवान विष्णु जी के सामने रख लें। अब आप एक एक बीज उठाते जाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते जाएं और उस बीज को, जो कटोरी आपने भगवान विष्णु जी के सामने रखी है, उस कटोरी में रखते जाएं। और जब वो सारे बीज खत्म हो जाएं, यानी कि जब आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लें, उसके बाद आप अपनी गलतियों को, जो आपने कभी भी करी हो जाने अनजाने में, उन गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगें और भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलें। फिर आप वो सारे बीज उठाकर रख लीजिए। वो आप अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप, ऐसे तो कोई नहीं खाएगा उन बीजों को, आप वो चाय में डाल करके सबको पिला सकते हैं। वो चाय पीने के बाद तुलसी की मंजरी की, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे आपके घर का माहौल सुंदर बन रहा है, शांत बन रहा है। धीरे धीरे सब लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, आपके घर में शांति लौट रही है और धीरे धीरे आपके जो काम रुके हुए हैं वो भी बनने लगेंगे और जो कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। भगवान पर विश्वास बनाए रखिए और उनकी कृपा को अपने जीवन में महसूस करिए। तो दोस्तों, कनेक्ट करिए अपने लाइफस्टाइल को गॉड के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।